हेलो व्यूअर्स वेलकम बैक टू योर चैनल डिवाइन मबल कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे एंड अपनी अपनी जगह अपनी लाइफ में खुश होंगे और अगर नहीं हैं तो हम ये टैल रीडिंग्स आपके लिए ही करते हैं ताकि आपको गाइडेंस मिले आप सही जगह आ गए हैं तो एक्वेरियस ये रीडिंग है आपके लिए जनवरी ट्वेंटी की लव एंड रोमांस ठीक है तो शुरू करते हैं हम आप प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान लगाइए कि क्या आपके मन में क्वेरीज हैं क्या हैं मेजर क्वेश्चंस एंड देन हम रिक्वेस्ट करते हैं यूनिवर्स से कि वो हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट कॉन्साइज फॉर्म में मैसेज दें एंजल्स एंड यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प अस प्लीज़ हेल्प अस फर्स्ट कार्ड है आपका जस्टिस लव इन रिलेशनशिप की एनर्जी निकालेंगे हम जनवरी 2021 की आपके लिए देन आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड देन आपकी फीलिंग्स ओके लेट्स सी व्हाट इज देयर फॉर यू मोर वी हैव दीज टू कार्ड्स जस्टिस है डेविल है एंड हमारे पास है नाइन ऑफ पेंटिकल्स एक कार्ड और निकालेंगे लेट्स सी व्हाट इज द ओवरऑल सजेशन फॉर यू फ्रॉम द यूनिवर्स गाइड्स क्या है आपके लिए सजेशन एंड वी हैव द स्टार पॉजिटिव रहिए हो सकता है कोई चैलेंजिंग बात हो स्टार हाँ, है लेट्स सी आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है क्वेरिस के पार्टनर की क्या एनर्जी है आपके पार्टनर तो काफी खुश महसूस होते हैं खुश महसूस कर रहे हैं सेकंड कार्ड है उनका किसी चीज़ को लेके मन में दुविधा है खुश भी हैं थोड़ी सी दुविधा भी है मिक्स बैग किसी चीज के आउटकम को लेके कैसे होगा फाइनल आपको कैसा लगेगा ये सोच के ये आपका कार्ड है आप मूवमेंट चाहते हो लाइफ में स्लो पड़ी चीजें पसंद नहीं हैं लवर्स जल्दी से उनके साथ रहना चाहते हो मुझे लगता है कि आप अपनी लाइफ में अपने रिलेशनशिप को सीरियस मोड पे ले जाना चाहते हो एक नए फेज में एंटर करना चाहते हो डेथ का यहाँ पे होना यही कहता है ओवरऑल एनर्जी है वेट की हम्म मैं तो समझती हूँ ये जो वेट है ना यही आपको परेशान कर रहा है आपका मन नहीं है वेट करने का एंड आपकी रिलेशनशिप मुझे लगता है जिस भी रिलेशनशिप में आप हैं अभी एक्वेरियस ये आपको काफ़ी जिसे कहते हैं ना बहुत दुख चैलेंजेस झेलने के बाद आपको ये पार्टनर मिले एंड प्लीज माइंड ये जो रीडिंग होती हैं ये जनरल होती हैं हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे साठ सत्तर परसेंट अस्सी परसेंट किन किसके साथ सौ परसेंट भी करेगा बट अगर आपको सिर्फ आपके बारे में स्पेशल कोई सवाल है कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं लव रिलेशनशिप्स की कैसी एनर्जी है तो हमें आपकी एक पर्सनल रीडिंग करनी होती है ताकि मैं आपके लिए पर्सनली देख पाऊँ तो लेट्स सी यहाँ पर क्या है काफी डिफिकल्टी से मिले आपको ये पार्टनर आपको ये इस बात का रियलाइजेशन है कि ये जिनके साथ भी आप अभी हैं ये आपके सोलमेट हैं आपको ऐसी पूरी फीलिंग है आप काफ़ी इन लव फील करते हैं काफ़ी खुश हैं उनके जिंदगी में आने से और आप दोनों के बीच में काफ़ी फायरी पैशनेट एनर्जी है फिजिकल इंटमेंसी काफ़ी अच्छी है हाँ साथ ही में मैं देखती हूँ कहीं कहीं पर जो है ना आप दोनों एक दूसरे की बाउंड्रीज भी क्रॉस कर जाते हैं थोड़ा सा एक दूसरे को पर्सनल स्पेस नहीं दे रहे हो आजकल दैट इज वन थिंग दैट आई एम सीइंग एंड आपकी रिलेशनशिप ऑल टुगेदर काफ़ी अच्छी है यहाँ पे स्टार है एक्वेरियस आपका खुद का कार्ड है जैसे आप हैं नेचुरली वैसे ही रहिए अपने आप को मोल्ड करने की कोशिश आप मत करिए वैसे मुझे लगता है द बेस्ट थिंग अबाउट दिस रिलेशनशिप दैट आर इन राइट नाउ इज कि आप जो हैं अपने आप को जैसे आप हैं वैसे ही दिखा सकते हैं वैसे ही आप एक्सप्रेस कर सकते हैं आपके पार्टनर भी काफ़ी खुश दिखते हैं मुझे रिलेशनशिप से उनको तो ऐसा लगता है कि विक्ट्री वाली फीलिंग आपको देख के बहुत खुश हैं काफ़ी प्राउड हैं उनको लगता है कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते हैं कि आप उनकी लाइफ में हैं आप उनके पार्टनर हैं वो काफ़ी खुश हैं लेकिन किसी चीज़ को लेके डाउट में हैं उनको लगता है कि आप पता नहीं क्या सोचेंगे लेट्स सी वो क्या डाउट है जो आपके पार्टनर को मेंटली परेशान कर रहा है लेट मी सी ये टू ऑफ जी यहाँ क्यों है ये टू ऑफ अफ्रॉड्स यहाँ क्यों है एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स में प्लीज़ हेल्प अस टू अंडरस्टैंड ओके हमारी कार्ड्स थोड़े से ओके okay. hmm. ज के पार्टनर ये थोड़ी ऐसी फीलिंग में क्यों हैं कन्फ्यूज फीलिंग में हैं वो मुझे लगता है आपके लिए ना बेस्ट करना चाहते हैं आपको एकदम क्वीन या किंग की तरह फील करना चाहते हैं रिलेशनशिप में बहुत पैम्पर्ड लव्ड केयर उनके मन में बहुत प्यार है आपके लिए आपको वही वो, वो फीलिंग भी देना चाहते हैं कि आप बहुत स्पेशल हैं उनके लिए स्टिल कोई चीज़ है कोई लगता है कुछ वो प्लान कर रहे हैं आपके लिए कुछ स्पेशल प्लान कर रहे हैं हाँ दुविधा में है क्या दुविधा है उनकी प्लीज हेल्प अस टू अंडरस्टैंड ये यहाँ पे टू ऑफ क्यों है क्वेरिस पार्टनर के फीलिंग्स में एंड वी हैव ओके फिजिकल इंटीमेसी मिस कर रहे हैं आपके साथ वो चाहते हैं हमेशा आप उनके साथ रहो उनके पास रहो बहुत ईजिली एक्सेसिबल रहो उन्हें हो सकता है कि अभी आप लोग साथ नहीं रहते हैं अनमेरिड कपल्स हैं वो चाहते हैं आप हमेशा उनके पास रहो उनके साथ रहो ईज़िली एक्सेसिबल रहो जब चाहे वो आपके साथ रह सकें टाइम स्पेंड कर सकें उनको बाकी सारी चीज़ें सोचनी ना पड़े हाँ लेट मी सी व्हाट एल्स वो सोचते हैं मैं क्या करूँगी जल्दी से ख़त्म हो जाएगी फिर हाँ सेकेंड कार्ड इज़ रन टेन ऑफ ऑफ़ टोर्स वो जो है ना इस intimacy, आपके साथ जो वो चाहते, है, वो चाहते तो हैं चाहते मुझे लगता है आपके पार्टनर तो आपको काफी फिजिकली अट्रैक्टिव भी वो समझते हैं और आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं लेट मी सी वट इज दिस जजमेंट कार्ड हेयर फॉर वट इज दिस जजमेंट कार्ड हेयर फॉरियस सेवन ऑफ डिस्क uh, फिर से वेट का कार्ड ये क्या कार्ड है सेवन ऑफ कप्स है डी ओके okay. थोड़े से कन्फ्यूज हैं इसी को लेके आपके पार्टनर तो सिर्फ इन के बारे में सोचें दे टोटली इन टू यू टोटली इनटू यू और उसको कैसे बढ़ाएं इंप्रूव करें क्या करें वो कैसे रहेगी हमारी रिलेशनशिप कैसे रहेगी वो इन्हीं बस सब बातों को सोच के सोचते रहते हैं आपको और बेटर फील कराने के लिए आपके साथ और टाइम स्पेंड करने के लिए प्लान कर रहे हैं वो तो ये है इसका मतलब लेट मी सी मोर और तो और एडजस्टमेंट हाँ फिर से यहां पे जस्टिस का कार्ड आया बेस्ट कैसे रहेगा आपके साथ ठीक है लेट मी सी व्हाट इज देयर आपकी फीलिंग में है लवर्स कार्ड ये लवर्स कार्ड क्यों है एक्वेरियस के लिए यहां मी सी लेट मी सी ये लवर्स कार्ड क्यों है एक्वेरियस के लिए हम्म क्वीन ऑफ डिस्क हा सीरियस रिलेशनशिप चाहते हो फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हो और इस चीज को लेके थोड़े से वर्ड भी हो कि ये कब होगा दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए मचल रहे हो एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे हो दैट इज द मैसेज दिस इज सो सो लवली काफ़ी इन लव हो आप दोनों एक दूसरे के साथ लेट मी गेट्स वट इज़ दिस डेथ कार्ड आई होप जो भी टेंशन है आपकी यहाँ एंड हो रही है डेथ में है स्विफ्टनेस हाँ इस वेट का एंड होगा ये जो भी यहाँ पे आपको पेशेंस रखने के लिए मैसेज आ रहे हैं इसका एंड होगा आप दोनों एक दूसरे के साथ रह पाएंगे आई सी दैट इज़ हैपनिंग वो आपके लिए हो रहा है फ्यूचर में आप दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे हैं आप दोनों की विशेज़ जो हैं एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने की हमेशा साथ रहने की वो पूरी होती मुझे दिख रही है लेट अस गेट की एंजल्स क्या कहते हैं आपके लिए हम निकालेंगे एक कार्ड फॉर दी ओरेकल फॉर यू एंड वी हैव हीलिंग फैमिली इश्यूज कुछ चीजें होंगी बीच में आप दोनों के मैं ये नहीं कहती सब कुछ बहुत परफेक्ट है यहाँ पे कुछ चीजें आप दोनों के बीच में भी हैं फैमिली को लेके थोड़ा सा एक दूसरे के मन में डर है आप उनकी फैमिली से थोड़ा सा कॉन्शियस हो वो आपकी फैमिली से थोड़ा सा कॉन्शियस है मुझे लगता है कि आप दोनों जो है ना ये जिन भी कपल्स के बारे में बात हो रही है आप लोगों के रिलेशनशिप के बारे में आपकी फैमिली को ऑलरेडी पता है आप मैरिड नहीं हैं साथ नहीं रहते हैं ये उन कपल्स के लिए है ठीक है या तो अगर आप डेट कर रहे हैं तो जल्दी ही अपनी फैमिली को बताने का प्लान कर रहे हैं एंड आप डर रहे हैं कि हम बताएंगे तो उनका कैसा रिस्पॉन्स रहेगा तो मेरा ये कहना है कि चैलेंजेस रहेंगे लेकिन इवेंचुअली दे विल एक्सेप्ट और अगर आप अभी अनमैरिड हैं तो जल्दी ही मुझे लगता है आप दोनों का वेट कि हम एक दूसरे के साथ कब रह पाएंगे वो पूरा खत्म होगा यानी कि आपका हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट पर रिलेशनशिप पहुँचेगा आपकी शादी तय है साथ में अगर ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी एक मैरिज में हैं तो मुझे लगता है कि आप दोनों की इक्वेशन जो है ना काफ़ी अच्छी होने वाली है आप दोनों एक दूसरे को ज़्यादा जिसे कहते हैं ना जनवरी का मंथ बहुत अच्छा जाने वाला है एक दूसरे को बेहतर समझोगे इंटमेसी इम्प्रूव होगी दोनों में काफ़ी प्यार रहेगा तो आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू तो द तो चैनल एंड कॉमेंट्स में मुझे बिल्कुल बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी मिलते हैं फिर बाय